पूरे देश में कोरोना की दहशत के चलते सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सरकार लगातार लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने झांसी को भी लॉकडाउन कर दिया है। इस स्थिति में जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने तहसील सभागार में नगर के व्यापारियों के साथ प्रेसवार्ता की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान निर्धारित समय के लिए खुले रखने की अपील की, जिससे लोगों को जरूरत का सामान मिल सके। प्रेसवार्ता में एसडीएम ने कहा कि किसी भी सामान पर ओवररेटिंग नहीं होने दी जाएगी, ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे हमारे जितने भी व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथीगण हैं, उनके साथ में हम यहाँ पे बैठक की है, जिसमें हमारी तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र के जितनी भी हमारी किराना की दुकानें और जो बाकी दूसरी शॉप्स हैं, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आज और कल हमारी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। केवल मेडिकल की शॉप्स और जो किराना की जो छोटी दुकानें हैं, जहाँ से लोग जो हैं अपना रोज़मर्रा का सामान जो ले सकें, वो हमारी खुली रहेंगी। उसके अलावा बाकी जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो बंद रहेंगी। और परसों से हम यहाँ पे एक कार्यक्रम यहाँ से जारी कर देंगे, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि किस समय तक और कितनी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी हमारी यहाँ पे और कितने समय तक खुलेंगी, ताकि लोगों को इसमें कोई भी बिना परेशानी के जो आवश्यक सामग्री है वो ले सकें। और मेरा सभी हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पे नागरिक हैं, उन सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान की पूरी जो आवाजाही है वो पूरी है यहाँ पर, और किसी भी तरीके सामान का जमाखोरी उसको बिल्कुल ना करें। यहाँ पे सामान की उपलब्धता जो है उसको हम यहाँ पे पूरी तरह से सुनिश्चित करा रहे हैं। आपको जो रोज़मर्रा का सामान है, जो किराना का सामान है, वो बिना बेहिचक आपूर्ति के साथ में आपको मिलता रहेगा। इसके साथ में जितनी भी हमारी मेडिकल शॉप्स हैं पूरी यहाँ पे मऊरानीपुर तहसील में, वो भी आपको हमेशा खुली यहाँ पे मिलेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि इस समय हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी संवेदनशील है, तो आप लोग सभी से हमारा निवेदन है कि ज़्यादातर किसी भी अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप अपने अपने सभी घरों में रहें और भीड़ भाड़ के इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, और भीड़ भाड़ किसी तरीके से आप आसपास में भी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें।